फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं मैथोकॉम और आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी डिटेल। आज हम बताने वाले हैं कि 2 फरवरी से एक वैकेंसी स्टार्ट होने वाली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आप सभी बच्चों के लिए, जो सिविल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से ट्रिपल ई से जो डिप्लोमा जिन्होंने किया है, इसके अलावा इन्हीं ब्रांचों से जिन लोगों ने बीटेक किया है उनके लिए हम वैकेंसी की बात करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों के लिए वैकेंसी आई है जूनियर इंजीनियर की। तो आइए इस वैकेंसी की पूरी बात कर लेते हैं और पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को बता देता हूँ कि एज लिमिट क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन का मेथड क्या है। तो सारी डिटेल देख लेते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक बने रहे ताकि पूरी डिटेल आप लोगों को पता चल जाए। पे स्केल भी बहुत ही अच्छा है इसका फ्रेशर्स बच्चों के लिए। तो आइए देख लेते हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है ये। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, 3 साल का डिप्लोमा मांगा है, या तो सिविल में होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। और जो परसेंटेज होने चाहिए एग्रीगेट परसेंटेज 65% एग्रीगेट होने चाहिए जनरल के लिए, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 55%। इसी के साथ जिन बच्चों ने डिग्री किया है इन्हीं ब्रांचों में, सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग में, उन बच्चों के लिए भी यह वैकेंसी है, उनके परसेंटेज 55% होने चाहिए। अब जो पे स्केल रहने वाला है उसकी बात करूंगा तो फ्रेशर्स के लिए बहुत ही अच्छा पे स्केल है। अप्रोक्सीमेटली 49,000 रुपीज़ आप लोगों को मिलने वाले हैं एज ए फ्रेशर्स अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं। तो आगे बढ़े उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं परीक्षा द सक्सेस ऐप को। आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप की हेल्प से आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाती है। मैथोकॉम ने परीक्षा द सक्सेस ऐप के अधिकारियों से बात की और आप सभी व्यूअर्स के लिए 50% ऑफ पर वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन में कोड दे रखा है वो कोड अप्लाई करना, उस कोड को अप्लाई करते ही वो टेस्ट सीरीज आप लोगों को, अगर 280 की आप लोगों के लिए पड़ रही है तो 140 की आप लोगों को मिल जाएगी। साथ ही इस ऐप पर आप लोगों को डेली न्यूज मिल जाती है, जॉब अलर्ट भी अवेलेबल हो जाती है, तो उसकी हेल्प से भी आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प होती रहती है। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए। अब चलते हैं हम वीडियो में आगे की तरफ। एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो ओबीसी और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 450 रुपीज के, एसटी एससी कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 50 रुपीज का एप्लीकेशन फीस रखने वाला है। फॉर्म फिलअप स्टार्ट कब होगा? फॉर्म फिलअप 2 फरवरी से स्टार्ट होगा और 15 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो 2 फरवरी से आप साइट पर जाकर इसका फॉर्म फिलअप कर देंगे। इसकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन की अप्रोक्सीमेट डेट 8 मार्च को दी गई है, तो बहुत ही जल्दी एग्जामिनेशन होंगे। तो आप लोग अच्छे से अगर प्रिपेयर करते हैं तो आप इसमें सेलेक्ट हो पाते हैं, जो बच्चे बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। अब बात कर लेते हैं जो पेपर पैटर्न रहेगा किस तरह से रहेगा। सारा पेपर रहने वाला है ऑनलाइन होने वाला है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो एलपीटी क्या है वो मैं बता देता हूँ। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन 300 मार्क्स का होगा और कितने मार्च को है, 8 मार्च को यह शेड्यूल किया गया है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज वाली बात हो जाती है। इसमें जो पेपर बनने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसका स्कोर 50 मार्क्स का वेटेज रहेगा। फिर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के 2 पेपर रहने वाले हैं 40-40 क्वेश्चंस के, और पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है, 100 मार्क्स इसके हैं। फिर जनरल अवेयरनेस का 50 मार्क्स का पेपर रहेगा और 50 मार्क्स उसके हैं। तो मैक्सिमम वेटेज आपके इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पे, अगर आपने सिविल से किया है तो सिविल के क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल से किया है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से किया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को, मेजर मार्क्स आपके 200 मार्क्स आपके इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। समय मिलेगा आपको 150 मिनट, मतलब 2.5 घंटे का आपको समय मिलने वाला है इस पूरे पेपर को सोल्व करने के लिए। और सेपरेट टाइम फॉर ईच सेक्शन, मतलब ऐसा ये होता है कि जैसे इंग्लिश के लिए ये लोग क्या करेंगे 30 मिनट्स दे देंगे, इन दोनों के लिए आप लोगों को कुछ समय दे देंगे 40 मिनट्स। तो हर एक सेक्शन के लिए क्या होता है कि टाइम बाउंड होता है, और टाइम उस समय के बाद क्या होता है कि दूसरा पेपर स्टार्ट होता है ऑटोमेटिकली इस बैंक के एग्जामिनेशन में। तो आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं होते हैं, कम ही इसके कट ऑफ भी कम ही जाती है। तो आप आराम से अगर जो भी अटेम्प्ट कर सही अटेम्प्ट करते हैं और अटेम्प्ट करते हैं तो आप आराम से क्लियर भी कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन को। ये पूरी डिटेल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देंगे, उन सभी को बता देंगे कि भाई इस तरह की वैकेंसी आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 48 सीट से कम है, लेकिन आपको तो एक ही चाहिए। अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपकी एक आपको मिल ही जाएगी। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।